हेलो हाय। तो ये क्लास 8 है। ओके। और क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेरीज हैं बच्चों के, तो वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल था सर कि आपने तो जब आपने ये पूरा बताया था इसमें मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो वहाँ पे सर 2D और 3D की बात नहीं हुई थी। देखो क्या है, देखो शेप्स के अंदर ना सारी चीज़ें आ जाती है। अगर मैं शेप की बात करूँ तो उसके अंदर वर्ड का भी शेप आ जाता है, एनिमल्स, फेस, जितने भी तरह के स्ट्रक्चर है ना सब इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है। बट ये वाली चीज़ें ना, ये सब मैंने शेडिंग के लिए अलग से बता रखा है, बाकी इसके अंदर ये सब कुछ आता है, सब कुछ। ठीक है। बाकी इसका इस्तेमाल बस मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोग ना थोड़ा सा शेडो के बारे में जान लो बस। ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ना डिटेल में मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके अंदर मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने खोल कर। देख लो आउटलाइन है जो ग्रिड मेथड से करेंगे इसे, है ना। और इसके जो मैं इसके ऊपर बाद में बात करूँगा, है ना। शेप्स के अंदर मैं 2D 3D और क्यूब्स ये सब बनाऊँगा, 3D क्यूब्स ये सब। ठीक है। और नॉर्मल रफ शेड रहेगा जैसे फ्रूट्स, जो भी मैंने कुछ दिन पहले ही शुरू के 3-4 क्लासेस मैंने इसी पे दिए थे। ठीक है। तो फ्लावर्स हो गया, ड्रॉपलेट्स हो गया, 3D आर्टवर्क्स हो गया, होता है ना रियलिस्टिक वर्क होते हैं, मतलब जिसमें शेडो काफ़ी दिखता है, पेपर उठे हुए से दिखते हैं वैसा। ठीक है। वैसा ड्रॉ करेंगे, क्योंकि देखो जब तक आप लोग इसमें जब परफेक्ट हो जाओगे ना, तो धीरे धीरे आपकी शेडिंग ऑटोमेटिक अच्छी होनी चालू हो जाएंगी। ठीक है। मैंने भी ऐसे किया था शुरू शुरू, मैंने भी यही सब चीज़ें सब ट्राई की हैं और सीखा है, तब जा करके मैं इन सब में इतना अच्छा बनाऊँ। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट में इस पर आकर के मैं शेड करने लग गया था, ऐसा कुछ नहीं है, पहले मैंने भी सब ट्राई किया है। ठीक है। दूसरा सवाल है आउटलाइन के ऊपर। मैंने कल के वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि अब मैं एक आउटलाइन का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है। या फिर इसी में जोड़ देंगे, वो देखते हैं आगे चल के। देखो क्या है, अगर देखो अगर मैं 3 साल से मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। ओके। 3 साल से। और जब मैं शुरू शुरू में सब सीख रहा था ना, तो यकीन मानो मैं डेली के कम से कम 10 आउटलाइंस बनाता ही बनाता था मैं। 10 आउटलाइंस एक दिन के। ठीक है। तो एक महीने में ना मैं 300 आउटलाइन तो मैं यूं ही बना रहा था। ठीक है। तब जा करके जो मेरे आर्टवर्क्स के जो आउटलाइन एक्यूरेसी है ना, वो इतना अच्छा जा करके हुआ है। ठीक है। तो ये जो सेशन रहेगा ना चारकोल का, ये 5 मंथ्स के लिए चल रहा है, 5 मंथ्स के लिए। अगर आप डेली अगर 2 भी बनाते हो ना, तो 5 × 30 यानी 30 150, तो ऐसे ही हो गया। अगर दिन में अगर 2 या 3 आउटलाइन बनाते हो, तो ये ऑलमोस्ट 300 तो हो ही जाएगा। ठीक है। तो इतने में आपका जो आउटलाइन है ना बनाने का, वो उसका जो एक्यूरेसी लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप खरीद नहीं सकते, उसको आप प्रैक्टिस करके ही सीख पाओगे। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो आप नहीं सीख पाओगे। आप मैं आपको बस बता सकता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ करता हूँ, आप भी उसको प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं ट्राई करोगे, आपको ये नहीं आएगा। ठीक है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि सर इतना थोड़ी मेहनत लगेगा। सर देखो, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं इतने सारे अगर वीडियोस बनाता भी हूँ, अगर आप बस बैठ कर टीवी की तरह देखते रहोगे ना, तो वो आपका टाइम वेस्ट है। उससे बेहतर आप फिर स्केचिंग करना छोड़ दो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। अभी तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, जो मैंने ये सब कल बताई थी, ये सब तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है। अगर अगर इसी में आप थक रहे हो ना, तो फिर तो आगे चल के तो और भी थकने वाले हो। हाँ, एक और बच्चे ने बोला है, 1 मिनट, बोला है कि क्या सब बनाना जरूरी है। जैसे कि मैं ये 1 2 3 4 8 9 सब बना रहा हूँ ना मैं अभी, जैसे कि नंबर मैंने बनाए थे 0 से लेकर 9 तक। ठीक है। और अब मैं आज अल्फाबेट्स बनाऊंगा। ओके। तो एक बच्चे ने बोला है कि क्या सर ये सब कुछ बनाना जरूरी है। देखो जब तक बनाओगे नहीं तो सीखोगे नहीं। ठीक है। भली सिंपल सिंपल चीज़ें ही हो, पर आप उसको बनाओ। ठीक है। अगर आता है तो बनाकर दिखाओ, और अगर नहीं आता है तो प्रैक्टिस करो, लेकिन बनाना है। और मैंने कल एक मिस्टेक किया था यहाँ पर। ठीक है। एक लाइन यहाँ पे मैं देना भूल गया था। ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, और एक मैंने यहाँ पे लाइन देना भूल गया था। ओके। कई बार क्या होता है ना कि मतलब बताते बताते ना दिमाग से निकल जाता है। ओके। और एक और बात बोली गई है कि आप सर जब ये बना रहे हो, तो सर इसमें आपने स्केल का यूज़ क्यों नहीं किया। मतलब ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं 1 भी लिखता हूँ, तो आप अगर स्केल से अगर एक सीधी लाइन ऐसे खींचते हो, ठीक है, तो
तो वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, लेकिन हमारा अभी ये नीड नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें देखो, हम उस पे काम कर रहे हैं जो आपको ज़रूरत है, ठीक है। हर चीज़ करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हर चीज़ करने को बैठोगे ना तो साल गुजर जाएंगे सीखने में, ठीक है। तो बस मैं वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ तरीके में बता रहा हूँ जिससे आप ना फटाफट चीज़ें सीख जाओगे। तो आपको ना यहाँ पर स्केल से लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर पाइप है, अगर यूं 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 ऐसे पाइप अगर बना हुआ है, ठीक है, तो अगर आपको इसका शेडो बनाना होगा तो आप नहीं बना पाओगे फिर तो, क्योंकि अगर आपको ये लाइंस की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो, ठीक है। मेरा बस एम ये है कि आप ना बस फ्री हैंड फटाफट बना दो, ठीक है, और इसके जो शेडो एरिया कह लो या फिर डेप्थ कह लो, ठीक है, सब चीज़ एक ही होती है। ओके, तो ये मैं बनाना आपको सिखा रहा हूँ। आपको मतलब स्केल से ये सब सीधी सीधी लाइन दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको बस सिंपल से ये ड्रॉ करना है खुले हाथ से, क्योंकि अगर स्केल से बनाने लग जाओगे ना तो इतना बनाने में ना आपको 2-2 घंटे लगेंगे बनाने में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मत करो, बस ओनली हाथ से फ्री हैंड से बनाओ और बना लो। और तीसरा सवाल है कि डेप्थ, शेडो और हाइट, ये तीन मतलब टेलीग्राम ग्रुप में किसी ने पूछा है, डेप्थ, शेडो और हाइट मतलब क्या अंतर है इन सब में, ठीक है। देखो, पहली बात, डेप्थ होता है ना, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, ठीक है, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। और इन दोनों को, डेप्थ को और हाइट को ना, हम शेडो करके बनाते हैं। जैसे कि शेडो का मतलब होता है डार्क एरिया, ठीक है, डार्क एरिया, ये भी थोड़ा सा अलग होता है, बट ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। बस जगह जगह का, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे यूज़ किया है तो वो शेडो हो सकता है या फिर डार्क एरिया हो सकता है, ये डिपेंड करता है, बाकी दोनों चीज़ें एक ही है, ठीक है। और देखो, जैसे कि हम एक कुआं बनाते हैं ना, कुआं, ठीक है, तो उसके अंदर गहराई होती है, ठीक है, तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं ना शेडिंग ये सब, शेडो ये सब, तो वो वहाँ पर डेप्थ कहलाता है। लेकिन वहीं अगर मैं मान लो ये जो टेप है, अगर मैं इसको यूं रख दूं ऐसे, अगर इसकी ऊंचाई दिखानी है तो वापस हम शेडो का ही इस्तेमाल करेंगे, शेडो का और डार्क एरिया का, ठीक है, तो वहाँ पर वो हाइट हो जाता है, पर होता सब सेम ही है, ठीक है। शेडो और डार्क एरिया ही सब कुछ होता है, बस नाम अलग अलग है, क्योंकि चीज़ें हर जगह अलग अलग इस्तेमाल होती है ना, मतलब इसलिए उसका ना नाम ना थोड़ा सा मतलब अलग अलग लिया जाता है, बाकी है सब सेम। बाकी बस यही है। और एक, हाँ, एक और चीज़, एक बच्चे ने एक और बोला है कि जो रियलिस्टिक वर्क है, ओके, तो सर ये एनिमल्स से ही हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। देखो, कर सकते हैं, तो आपको बस ये करना पड़ेगा कि जो मेहनत में यहाँ पे करने वाले हैं तो वो आप यहाँ पे कर लेना, ये भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर एनिमल्स में चाहें तो हम मतलब चारकोल पाउडर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि एनिमल्स काफ़ी रियलिस्टिक वर्क में भी गिना जाता है, ठीक है। तो हम चाहें तो यहाँ पर रफ शेड ट्राई कर सकते हैं और यहाँ से चारकोल पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देख लेंगे, वो तो आगे चल के धीरे धीरे जिस हिसाब से सही लगेगा ना, तो वैसे मैं चीज़ें सही कर दूंगा अपने आप, मतलब अपने हिसाब से। बस आप जो चीज़ मैं आपको ड्रॉ करने को कह रहा हूँ ना, बस शांति से उसको ड्रॉ करते हुए चले जाओ, ठीक है। 5 महीने के अंदर ना आपके जो स्किल लेवल है ना वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कल की वीडियो से, जहाँ से मैंने छोड़ा था। पिछले वीडियो में मैंने ड्रॉ किया था इस तरफ से, ओके, जो इसका जो ये देखो, ये शेडो नहीं है, ठीक है, ये शेडो नहीं है, ये है डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, मान लो गहराई, या ले दो जैसे कि 1 मिनट, ये है, ठीक है, ये टेप है, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको, अगर ये सर्कल है, ओके, इस चीज़ को समझो, ये सर्कल है और ये भी सर्कल है, ओके, तो ये सिर्फ एक चूड़ी है, मतलब एक मतलब इसमें हाइट नहीं है, तो ये बस आपको ऊपर से दिख रहा होगा सर्कल, ठीक है। अब जब इसके ऊपर ना अगर 10-12 ये सर्कल और रख दोगे ना तो ये बन जाता है, ठीक है, तो उसकी एक हाइट भी तो बन जाती है ना सबकी। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बनाने बना करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब इसको आप डेप्थ भी मान सकते हो, गहराई, अगर आप ऊपर से देखते हो तो ये गहराई हो जाती है, अगर आप नीचे से देखते हो तो ये हाइट हो जाती है, दोनों है सेम, ओके। तो अगर आप अगर ऊपर से देख रहे हो तो फिर ये डेप्थ में चल जाता है, ओके। अगर आप चाहते हो कि नीचे की ओर से आप इमेजिन करना चाहते हो, ठीक है, आप दोनों कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप नीचे की तरफ से इमेजिन करना चाहते हो तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, दोनों सेम है बट।
तो आगे का स्टार्ट करते हैं। रूल ये रहा, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ फिर से एक बार। जब भी लेन चेंज होगा ना तो अंदर बाहर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर ये बाहर की तरफ शेडिंग चल रही है तो वो अंदर की तरफ हो जाएगा जैसे लेन चेंज होगा। तो एक मिनट, ओके अब सी से स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल है, मैंने पिछली बार बोला था कि जहाँ पर भी डॉट आता है ना, आप तो जैसे कि ये वाला, तो खैर इस वाले को मैं इधर से कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ पर खींच दो जहाँ पर भी डॉट आ रहा है, जैसे यहाँ पर डॉट आ रहा है तो यहाँ पर एक लाइन खींच दो। ओके अब देखो, देखो जैसे कि मैं अभी इधर से इस तरफ की ओर जा रहा हूँ, ठीक है, तो यानी कि ये वाला चल रहा है अभी। ओके तो मैं ये जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से अब नीचे की ओर मुड़ रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से मतलब लग रहा है ना कि अब नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे, तो ये यहाँ पर लगभग यहाँ से ना आप जो उसका जो चौड़ाई है ना, इसको आप हल्का कम करते 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 यहाँ पे बंद कर दो, और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ना उससे थोड़ा सा या तो सामने या थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर दो। ओके अब देखो जैसे कि ये वाला था ऊपर की ओर से हम जा रहे थे ना, जैसे नीचे की ओर हो रहा है ना तो लेन चेंज कर दो, जो बाहर चल रहा था वो अंदर की ओर चल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच रखी है, ठीक है, तो ये जाकर के इसमें जोड़ दो, तो ये बन गया सी। ओके और इसको फिल कर रहा हूँ मैं, और आपको ये बनाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि चीज़ सिंपल है तो आप नहीं बनाओगे, ठीक है, इसका बहुत असर पड़ता है ड्राइंग्स पे। इससे क्या होगा ना, जो आपका एक नज़रिया होता है ना देखने का चीज़ों का, वो बदलना चालू हो जाएगा धीरे 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 धीरे। ये एक दिन में नहीं होगा कि आए और थोड़ा सीख गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, सिंपल सिंपल चीज़ों से भी काफ़ी सीखते हैं। ओके तो ये सी बना दिया मैंने, अब मैं डी बना रहा हूँ। ओके और इस बार मैं बनाऊंगा इस तरफ से, और रूल्स यही रहेगा फिर से, डॉट है तो इस तरफ लाइन खींच दो एक। ओके अब देखो कि हम लोग इस तरफ से आ रहे हैं ना, तो ये वाला, अगर ये कहाँ गया ये वाला, ठीक है, ये हम इधर से जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जा करके फिर ये नीचे की ओर मुड़ गया, यानी कि नीचे की ओर, ठीक है, तो लेन चेंज जाएगा। तो मान लो कि यहाँ तक ये लास्ट जाएगा, ठीक है, तो जहाँ तक ये इस तरफ जा रहा है ना, वहाँ तो इसका जो चौड़ाई है ना वो वही का वही रहेगा, जैसे कि ये मान लो इतना। अब इसके बाद क्या होगा, ये धीरे 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 कम हो जाएगा, कम कर दिया। ओके अब ये देखो यहाँ पर ख़त्म हुआ है ना, तो जस्ट इसके यहाँ पर से स्टार्ट कर दो, और ये यहाँ से इसको जोड़ दो, बस बन गया। और चाहो तो हल्का सा और इमेजिन दिखाने के लिए यहाँ से एक लाइन यहाँ पर जोड़ दो, ठीक है, बस डी बन गया, इसको फिल कर दो। आप यहाँ पर चारकोल और ग्रेफाइट कोई सा यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ डेप्थ की नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है, ये मतलब शेडिंग नहीं है। और एक और चीज़, मैंने सबसे पहली वीडियो में एक बात बोली थी आप लोगों को ये ट्राई करने के लिए, लाइनिंग वाला ऐसे 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 ऐसे, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहो करते रहो, ठीक है, ग्रेफाइट पेंसिल से ही करना, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपको शेडिंग है ना बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, मतलब ये करने से ना इतना अच्छा फ़ायदा होता है कि अगर आप ब्लेंडिंग अगर नहीं भी करोगे ना तब भी मतलब ब्लेंड ब्लेंड सा ही दिखेगा, जैसे कि अभी देख लो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ब्लेंड भी नहीं करता हूँ ना, ठीक है, अगर इसके ऊपर मैं अगर सिर्फ लेयरिंग लेयरिंग यूज़ कर रहा हूँ, ये तब भी मतलब काम बन जाएगा शेडिंग में। ओके मुझे मतलब ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए कहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके अगर आप चाहते हो कि मतलब पोर्ट्रेट में आते ही आपको मतलब कोई भी तकलीफ ना आए, तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करो,
ठीक है, अगर ये करते हो ना तो पोर्ट्रेट मतलब आप लोगों को ना बस एक मजाक सा लगेगा, पर अगर यहाँ पर अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो पोर्ट्रेट आपको हार्ड भी लगेगा और आप वो सीख भी नहीं पाओगे, मतलब साल लग जाएंगे उसको सीखने में। वापस से मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये इस तरफ चल रहा है सब कुछ, तो डॉट यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक लाइन मैंने खींच दिया, ठीक है। यहाँ पर भी डॉट है तो यहाँ पर भी एक लाइन कर रहा हूँ, और एक यहाँ पर भी, इन सबको ज्वाइंट कर दो। मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ उन सबको बस फॉलो करते चले जाओ, ठीक है। ये सब चीज़ें ना आपके भी उतना समझ में नहीं आएगा कि ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, ओके। लेकिन ये जब आप ड्रॉ करते रहोगे ना तो आपको ना अंदर ही अंदर सब कुछ सही होना चालू हो जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा कि कब आप बिगनर से अच्छे आर्टिस्ट बनने लग जाओगे। फिर यहाँ से इसको मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये भी डॉट है तो यहाँ पे एक लाइन खींच दो। अब देखो यहाँ पर भी एक लाइन यहाँ पर खींच दो, एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये ई बन गया, इसको फिल कर रहा हूँ मैं। जब तक सिंपल चीज़ें नहीं आती है, हार्ड चीज़ आपको आएगी भी नहीं, जो चाहे कर लो, ठीक है। इसलिए सिंपल चीज़ें पहले ड्रॉ करना सीखो। इसको थोड़ा सा ना फिल भी कर रहा हूँ ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, ओके। अब एफ बनाते हैं, यहाँ पर डॉट है तो एक लाइन यहाँ खींच दिया, एक लाइन यहाँ खींच दिया, एक लाइन यहाँ खींच दिया, ठीक है। इनको कर दो ज्वाइंट। यहाँ पर भी डॉट है, जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बस कॉपी पेस्ट करते चले जाओ। और अगर चाहो तो मतलब बिना देखे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी फिर बाद में चेक कर लेना कि मतलब सही बना है नहीं बना है, ये भी अच्छा तरीका है। या तो पहले बना लो और एक बार प्रैक्टिस कर लो। तो ये एफ बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। ये जो है ये चल रहा है अभी डेप्थ वाला, ठीक है। फिर इसके बाद हम सीखेंगे शेडो। शेडो में काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा यूँ मान लो रियलिस्टिक वर्क टाइप में रहेगा, और शेडो में ना हम थोड़ा सा ना चारकोल पाउडर का भी यूज़ करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पे डॉट है तो एक लाइन खींच दो, यहाँ पे डॉट है एक लाइन खींच दो, इसको कर दो ज्वाइंट। यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे भी एक लाइन खींच दो, इसको कर दो ज्वाइंट, ओके। अब देखो फिर से यहाँ पे एक सी मतलब कर्व सा आ गया है, तो देख लो जैसे कि अभी ये जो कर्व है ना, मान लीजिए हम इधर से देख रहे हैं तो हम हमेशा ना इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जो कर्व है यहाँ से स्टार्ट हुआ, ओके, ये सीधे सीधे चल रहा है, और ये वाला तो खैर यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा ना यहाँ पे कम कर देना इसका हाइट, मतलब ये चौड़ाई, ठीक है। अब देखो जहाँ पे ये ख़त्म हुआ है ना वहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है। और ये नीचे की ओर जाएगा, अब देखो यहां पर ये ना रुक जाएगा, ओके। और इसको कर दो फिल। और ये रूल ना आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये रूल मेरे इन्वेंट किए हुए हैं, ये मैंने अपने हिसाब से बना रखा है रूल, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट के ना वोल्टेज थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, ओके।
अब इसको फिर से यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। और शायद कल या परसों से मैं आउटलाइन का प्रॉपर मतलब चालू कर दूंगा, ठीक है, डेली के दो या तीन साथ में। अभी आप भी ना प्रैक्टिस करते चल जाना, ओके। और उसी आउटलाइन को ना हम फिर इस वाले सेशन में उसके अंदर ना शेडिंग करेंगे, ओके, क्योंकि वो आउटलाइन ना फिर वेस्ट हो जाएगा, इसलिए उसका हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर शेडिंग में। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये आउटलाइन पहले से बनाकर किस बार आ गया था, ठीक है, तो जो चीज़ें होती है ना फटाफट चल जाती है, नहीं तो फिर दोबारा आउटलाइन बनाओ उसमें बहुत टाइम लगता है। हाँ, ये वाला फिर से सेम टू सेम करो, डॉट है तो यहाँ से निकाल दो, कोने कोने से इसको ज्वाइंट कर दो, फिर इसको नीचे तक ले जाओ, ठीक है, ये भी डॉट है यहाँ पे बाहर निकाल दो, इसको कर दो ज्वाइंट। ये जैसे इसके सीध में है तो यहाँ से भी एक निकाल के यहाँ पे ज्वाइंट कर दो, तो ये एच बन गया। अब इसको भी फिल कर दो, जो 5 महीने टिक गया ना, ठीक है। शुरू में मैं आप देखो सिंपल सी बात है यार, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको ना हर चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करा दूँ। देखो अगर ट्रिक्स बताने का सिर्फ होता है ना, अगर आप ट्रिक्स बताने से अगर सीख जाते, ओके, तो ये जो सेशन है ना मुश्किल से मुश्किल 15 वीडियोज़ में मैं ख़त्म कर देता, ओके। लेकिन ट्रिक्स बताने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, जब तक मैं आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस ना कराऊँ ना वो जब तक बेकार है। इसलिए मैंने इस 5 मंथ्स में ना आपको इतना प्रैक्टिस करा देना है कि मतलब अच्छा खासा सीख जाओगे। ये एच बन गया, अब आई बनाते हैं डॉट। जहां पे भी डॉट है वहां से एक लाइन खींच दो, बस। यहाँ पर भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है, खींच दो और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो। यहाँ डॉट है, यहाँ सब खींचो, ये ज्वाइन कर दो, आई बन गया। अब जे बनाते हैं, डॉट है, निकाल दो यहाँ से लाइन एक, यहाँ भी डॉट है, इसको ज्वाइंट कर दो, ओके। यहाँ भी डॉट है, यहाँ से भी एक लाइन निकाल दो। इसके बाद ये नीचे की ओर जा रहा है, ओके, और जैसे ही लेन चेंज हुआ यहाँ बंद कर दो, जस्ट इसके सामने से निकाल दो, तो ये जे बन गया। वापस से वही सारे रूल्स सेम हैं, ओके। मैं फटाफट ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी साथ में ड्रॉ करते रहो। एक मिनट, थोड़ा सा ना यहाँ पे नीचे की ओर जोड़ रहा हूँ मैं,
इसको डार्क कर देते हैं। और मना करने के बाद भी मतलब कुछ लोग हैं जो इंस्टाग्राम पर मतलब आते हैं, मैसेज करते हैं, कहते हैं लाइक और कमेंट कर दो। एक ने तो हद कर दी, मतलब आए और बोलते हैं कि मैंने जितने भी पोस्ट डाल रखे हैं ना, तो आप उन सब पे ना लाइक कर दो। ठीक है, तो ऐसे मत करा करो प्लीज़। ठीक है, इतना टाइम भी नहीं होता है कि ये सब चीज़ें करता फिरूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ्री फोकट बैठा हुआ हूँ। ओके, इस बात को थोड़ा समझो, क्योंकि देखो बोलना अच्छा नहीं लगता है, फिर बाद में वही बात हो जाती है ना कि सामने वाले में एटीट्यूड है। बट खुद भी समझदार हो, थोड़ा समझा करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, मेरी कोशिश यही रहती है कि मतलब जितने हो सके मैं सबके रिप्लाई दे सकूँ, बट अगर ऐसे फिजूल फिजूल मैसेज आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि टाइम की जो होता है वेस्टेज, तो कुछ वैसा रहता है। तो ये सब मत, ये सब बंद कर दो। ओके, अब कुछ लोग तो इतने बेशरम हैं कि मतलब क्या ही कहें। मतलब आज आईडी खोलते हैं, ओके, अब मान लो कि मैसेज करते हैं कि फॉलो कर दीजिए। ठीक है, अगर मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि ये फॉलो बैक नहीं होगा, तो वो सवाल पूछते हैं क्यों नहीं होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें ना सही नहीं है भाई। मैं इंस्टाग्राम पे इसलिए थोड़ी हूँ कि मैं आप लोगों को फॉलो करता फिरूँ या फिर जो कहोगे वो करता फिरूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। डॉट है, सेम चल रहा है सब कुछ, सब में रूल सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा ध्यान देके बनाओगे ना तो बन जाता है। देखो, अगर फॉलो करवाना भी चाहते हो ना, तो मैं करने को तैयार हूँ, बट कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लगे कि हाँ फॉलो करने में मतलब अच्छा लगे। ओके, अच्छा सेटिंग सीख लो, मैं खुद ही फॉलो कर दूंगा आगे से हो करके। ओके, तो एम ड्रॉ कर दिया है मैंने। इसके बाद ना, इस वाले क्लासेस के बाद, ठीक है, फिर हम सीखेंगे शेडो। ओके, शेडो कैसे, 3D शेडो होता है ना, जिसे मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये एन है ना, एन अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये मतलब थोड़ा सा रखा हुआ है। ओके, और थोड़ा मोटा सा है। ओके, लेकिन यहाँ पे रहेगा ना कि ये पेपर से थोड़ा सा ना उठा हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, डॉट है, वहाँ से स्टार्ट कर दो। ज्वाइंट कर दो।
अब वो ड्रॉ करते हैं। देखो ज़्यादा हार्ड ना, मतलब जो कर्व होता है ना उसी में होता है, बाकी सब तो सिंपल ही है लाइन वाले में तो। ठीक है, यहाँ पर वापस से वही करेंगे, इधर से हम बना रहे हैं तो स्टार्ट इधर से करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक है, ये गए, जैसे ही लेन चेंज हुआ, एक मिनट, जैसे यहाँ पे लेन चेंज हुआ ना, तो ये अंदर से चालू हो जाएगा और ये लगभग इतना गया और ये वाला यहाँ पर आकर रुक गया, तो ये ओ बन गया। ये ओ बन गया। अब पी ड्रॉ करते हैं, डॉट है तो एक लाइन आ जाएगा, यहाँ पे डॉट है तो एक लाइन आ जाएगा इसके सीध में। ये थोड़ा सा आगे पीछे में यहाँ बना रखा है मैंने, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे कर्व नीचे की तरफ हो गया है तो यहाँ तक ही जाएगा इसका कर्व, ये वाला, तो ये बन गया पी बस। अब क्यू बनाएंगे, ये भी फिर से कर्व आ गया है तो इधर से बना रहे हैं, तो स्टार्ट यहाँ से हो जाएगा। अब तो खैर आप लोग को रूल्स प्रॉपर समझ में आ गए होंगे क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारा बना लिया है ना। ये ऊपर क्यों जा रहा है, जैसे ही नीचे तरफ आएगा ना तो थोड़ा सा नीचे होकर के रुक जाएगा, ओके, और जैसे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो, और ये वाला यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एक डॉट है तो ये भी, और यहाँ पे जाके ये जुड़ जाएगा बस। यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे एक लाइन खींचो और ये बन गया क्यू। शुरू शुरू में जो बच्चे होते हैं ना स्कूल के, ठीक है, तो वो लोग भी ये सब चीज़ें बनाते रहते हैं। अगर आप लोगों ने अगर स्कूल में ये सब चीज़ें बनाया होगा ना, ठीक है, तो ये आप लोग काफ़ी आसान लगेगा। जब मैं स्कूल में था तब, तो मतलब मेरे जो आर्ट वर्क्स थे ना वो काफ़ी अच्छे थे। हाँ, मुझे शेडिंग नहीं आता था बट मेरे जो आउटलाइन थे ना वो काफ़ी अच्छे थे, मतलब मैं डायरेक्ट पेन से भी ड्रॉ कर लेता था, ठीक है, तो ये फ़ायदा मुझे हो गया था आउटलाइन में। मतलब मेरा क्या, शुरुआत से ही जब मैंने फर्स्ट टाइम ग्रिड यूज़ किया था ना तो मेरा फर्स्ट स्केच ही काफ़ी प्रॉपर बना था आउटलाइन का। डॉट है, फिर से वही रूल है, जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो आधे में इसको रोक देंगे, ठीक है, और ये लाइन सीधी जा रही है तो ये सीधी आ जाएगी, यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो ये यहाँ पर ये स्टार्ट होकर यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। डॉट है, यहाँ पे एक लाइन खींच दो, और सीधी लाइन है तो पैरेलल में चलेगा, यहाँ पे डॉट है एक लाइन खींच दो और इसके सीध में ये भी आ जाएगा, आर बन गया।
स्केचिंग में ना जो इस सेशन में जो सबसे ज़्यादा जो वीडियोस आएंगी ना वो आएंगी आउटलाइन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि स्केच में आउटलाइन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर आपको शेडिंग नहीं भी आती है, थोड़ा बहुत भी आता है, तब भी काम चलेगा, लेकिन विदाउट आउटलाइन बेकार है सब कुछ। अब ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे भी कर्व है तो रूल वही रहेगा, यहाँ से स्टार्ट करो, जहाँ थोड़ा सा डाउन होता है ना वहाँ से स्टार्ट करो धीरे धीरे, फिर उसका जो मेन जो चौड़ाई है उसको यूज़ में ले लो, ठीक है। डॉट है यहाँ पर, यहाँ एक लाइन खींचो, यहाँ डॉट है एक और लाइन खींचो, जोड़ दो और इसको यहाँ से जोड़ दो बस। अब यहाँ पे ख़त्म हुआ तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और ये वापस से डाउन जा रहा है तो यहाँ पे इसको बंद कर दो, यहाँ पे डॉट है, यहाँ डॉट है, लाइन खींच दो और इसको फिर से इसके पैरेलल में लेके जाओ, जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहाँ पे इसको भी ख़त्म कर दो, एस बन गया। ओके, अब टी बनाएंगे, ये लाइन है सिंपल, डॉट है तो लाइन खींच दो, लाइन खींच दो, इसको जॉइंट कर दो, यहाँ पे डॉट है, लाइन खींच के जॉइंट कर दो, सीधी लाइन है, इस तरफ से जा रहा है तो जो शेडो पड़ेगा इस तरफ से पड़ेगा, नीचे डॉट है तो एक लाइन खींच के इसको बस जॉइंट कर दो, टी बन गया। फिर से इधर से जाना है, डॉट है, लाइन खींचो, इसको जॉइंट करो, यहाँ से भी लाइन खींचो, जॉइंट करो, लाइन शेडो इस तरफ जाएगा तो लाइन के इधर बनेगा, ये सीधी लाइन है फिलहाल, तो यहाँ से कर्व स्टार्ट हुआ है तो डाउन जैसे ही जाएगा ना तो यहाँ पर ये, एक मिनट, डाउन होती ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और ये वाला नीचे आएगा, जहाँ पे ख़त्म हुआ था यहाँ पर इसको भी ख़त्म कर दो, तो यू बन गया। ओके, अब वी बनाते हैं, डॉट है, लाइन खींच दो, जोड़ दो, यहाँ पे डॉट है तो लाइन खींचो और जोड़ दो, शेडो इस तरफ बनेगा तो शेडो सीधी लाइन है ना तो वापस से इधर बनेगा, और ये भी सीधी लाइन है बट यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे एक लाइन खींचो और इसको यहाँ से जॉइंट कर दो, वी बन गया। जो जो प्रैक्टिस करेंगे ना वो सीख जाएंगे, जो लोग नहीं करेंगे उनका फिर भगवान भरोसे सब कुछ।
मैंने चैनल ग्रुप बनाया है इसलिए ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन मतलब ये चीज़ ट्राई कर रहा है। ओके हाँ, एप्पल तो खैर सबने ड्रॉ किया था। डब्लू है, डॉट है यहाँ पर, तो एक लाइन खींच दो डॉट के सामने, तिरछा, ये भी बन गया। डॉट है तो यहाँ पे एक लाइन खींचो, यहाँ डॉट है एक और लाइन खींचो, डॉट है यहाँ पे लाइन खींचो, इसको यहाँ से ज्वाइंट कर दो। ठीक है, ये सीधी लाइन है, शेडो इस तरफ से पड़ेगा, खींच दिया, ये भी लाइन है, शेडो इस तरफ से पड़ेगा, जोड़ दिया, और ये वाला शेडो फिर से इस तरफ पड़ेगा, लाइन है तो पैरेलल में सब जाएगा, तो डब्लू बन गया। ओके अब एक्स है, डॉट यहाँ पे भी है, डॉट जहाँ पे भी है वहाँ पर एक लाइन खींच दो। लाइन सीधी है तो जाएगा पैरेलल, बट इस तरफ जाएगा, ये भी लाइन सीधी है बट जाएगा पैरेलल। एक मिनट, डॉट है यहाँ पे भी एक लाइन खींच दो और इसको जोड़ दो, यहाँ पे डॉट है यहाँ पे एक लाइन खींचो, इसको जोड़ दो। डार्क एरिया होता है इसलिए ताकि आप ना उसकी गहराई या फिर ऊंचाई को दिखा सको। अब लास्ट है जेड, डॉट है यहाँ पर, लाइन खींचो, यहाँ पे भी डॉट है तो लाइन खींच दो, जोड़ दो इसे, सीधी लाइन है, शेडो इस तरफ रहेगा तो इसके नीचे की तरफ आएगा पैरेलल। डॉट है लाइन खींचो, डॉट है लाइन खींचो, ज्वाइंट करो और यहाँ से सीधी लाइन, बस। तो जेड बन गया और इसको पूरा ब्लैक कर दो यहाँ से। ओके तो ये सारे अल्फा बेट्स बन गए हैं। ठीक है, ये पूरे कंप्लीट हो गए, तो आप भी ये ट्राई करना। ओके कल से एक शेडो स्टार्ट करेंगे। ये जो डेप्थ वाला था ना, वो तो लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बस नज़रिया होता है देखने का, अगर आप इस तरफ से कर रहे हो तो। मैंने बता दिया है दो ही इसमें कंडीशन है, या तो वो कर्व होगा, ठीक है, या तो वो डॉट वाला होगा, लाइनिंग होता है ना, दो ही चीज़ होती हैं। ओके तो मैंने बता दिया है कि जब डॉट आए तो सिंपल सा एक लाइन खींच दो। अगर मान लीजिए अभी तो मैं क्या कर रहा था कि या तो ये स्लोप यूज़ कर रहा था, ठीक है, या तो ये स्लोप यूज़ कर रहा था। ओके अगर मैं चाहूँ, ठीक है, अगर लगता है कि जो एंगल है, आप चाहो तो एंगल को थोड़ा सा यूं भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो सिर्फ इस स्लोप में ही हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो बस उसी डायरेक्शन में सारे को रख देना। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा इमेजिन करना चालू कर दोगे ना, जब ये सारे बना लोगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से एक बना के दिखाता हूँ, फिर भी ये जेड बना के दिखाता हूँ। ओके मान लीजिए कि ये वाला एंगल है, फिर से
तो ये रहा ऊपर की ओर जाएगा ये, क्योंकि ये बिल्कुल ये देखो ये बीच में एक लाइन है। ओके, तो ये जा रहा है इस तरफ, तो जो सारे शेडो बनेंगे देखो इस तरफ झुका हुआ है ना इस लाइन के इस तरफ, तो सारे शेडो के इस तरफ ही बनेंगे, इस तरफ ही, बस थोड़ा सा एंगल कम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट है तो उसके पैरेलल में एक और लाइन खींच दो। ओके, इसमें देखो अब क्या होगा कि जो इस वाला जो एरिया है ना यहाँ पर इसका शेडो थोड़ा कम आएगा, पर आएगा बस थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ना ये जो चौड़ाई था इसको मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, बस एक कोना ऐसे बना दिया था, तो इसलिए बताऊँ। चाहो तो 1 मिनट रुको, इसको मैं थोड़ा सा स्क्वायर में ही कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो तो गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। इस पे बना लेते हैं। ओके, एंगल था ये वाला, तो ये जस्ट मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया है। ठीक है, बिल्कुल इसके पैरेलल में ये भी रहेगा, ये डॉट है तो इसके पैरेलल में ये भी जाएगा। ओके, और इसके पैरेलल में ये भी जाएगा, ये भी सेम टू सेम, और ये यहाँ से इसको पहले जोड़ दो। ठीक है, ये बन गया। अब देखो हल्का सा ना और शैडो दिखाने के लिए इसको समझने की कोशिश करो, आप चाहो तो उसको थोड़ा सा ना, जैसे कि ये जो एंगल है ना, देखो ये जो डॉट है यहाँ पर, एक डॉट यहाँ पर है। ओके, आप ये चेक करो कि जो इसका जो स्लोप है ना, ये वाला स्लोप, ठीक है, इसका स्लोप से ये ज़्यादा है कि कम है। जैसे कि ये वाला तो इतना है, बट ये जो एंगल है ना इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ है। ओके, तो हमारा जो शेडो रहेगा ना इस बार लाइन के ऊपर की तरफ आएगा, तो मान लीजिए इतना, और ये बन गया, बस इसको फिल कर देते हैं। ये पूरा का पूरा ना थोड़ा सा एंगल है, बस उसी पे सारा खेल है, बाकी सब सेम है। अगर एंगल काफी, बस ये जो लाइन रहती है ना स्लोप, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो इस तरफ आएगा शेडो या इस तरफ आएगा। जैसे कि ये वाला था ना इसका एंगल, ये वाला इतना था, लेकिन जो शेडो था उसका एंगल इस तरफ था। ठीक है, तो आएगा तो खैर इस तरफ ही, लेकिन ये इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्राई करना, और एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, अगर ट्राई कर सको तो अपना नाम है ना उसको ड्रॉ करके देखना ऐसे। ठीक है, कोई क्योंकि ये लोगों को अच्छा भी लगता है ड्रॉ करना, तो अपना नाम लिखना ऐसे ही 2D में, फिर उसको 3D बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू सो मच, कल से स्टार्ट करेंगे शेडो। ओके, बाय।